चाहे रोड के साइड में दुकान लगने वाला छोटा दुकानदार हो या बड़े से बड़ा शोरूम, आज पैसे के लेन देन में हर कोई UPI यूज करता है। और आज के दौर में आपने ये साउंड बॉक्स तो जरूर देखा होगा जो आपके द्वारा भेजे गए पैसे की साउंड नोटिफिकेशन देता है, वो भी जोर से चिल्लाकर। ATM पर 100 रुपए प्राप्त हुए। UPI से दुकानदार और कस्टमर दोनों को ही सुविधा हुई है, दोनों को ही छुट्टी देने की झंझट से भी छुटकारा मिला है। लेकिन पेटीएम UPI से पहले अपने वॉलेट मोड पर चलता था और एक समय में पेटीएम ने मार्केट में अपनी अच्छी पहचान बना रखी थी। लेकिन फिर उनके कॉम्पिटिटर्स NPCI ने UPI लॉन्च किया, जिससे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया। यहाँ पेटीएम में UPI ना होने की वजह से इसमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। असल में पेटीएम UPI को लाना ही नहीं चाहती थी, उसे लगता था कि वॉलेट मोड UPI मोड से बेस्ट है। लेकिन लोगों ने वॉलेट मोड से ज्यादा UPI को पसंद किया और देखते ही देखते पेटीएम के कस्टमर कम होते चले गए। ये डाउनफॉल इतनी ज्यादा थी कि जब साल 2021 में पेटीएम का IPO आया तो इसमें इन्वेस्ट करने वालों का 70% तक का लॉस हो गया। हालांकि पेटीएम में और भी कई सारी सुविधाएं थी जिसे लोग यूज कर रहे थे और पेटीएम की रेवेन्यू चलती रही और पेटीएम बचा रहा। लेकिन UPI ना होने की वजह से पेटीएम के कई यूजर्स UPI वाले प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पे और फोन पे को यूज करने लगे। और जब ज्यादातर यूजर्स UPI ना होने की वजह से पेटीएम को छोड़कर जाने लगे, तब पेटीएम के मालिक विजय शंकर शर्मा ने पेटीएम में भी UPI को ले आए और अब पेटीएम में भी UPI के थ्रू पेमेंट करना पहले से ज्यादा आसान हो गया। UPI के थ्रू पेटीएम करना तो आसान हो गया, लेकिन फिर भी इसमें एक कमी ये थी कि पेटीएम रिसीव करने वालों को अपने मोबाइल में चेक करना पड़ता था कि पेमेंट उसके अकाउंट में गया या नहीं। और क्योंकि कभी कभी पेटीएम की नोटिफिकेशन आने में थोड़ा समय भी लग जाता था, और अगर किसी दुकान में भीड़ है और दुकानदार ने पेटीएम से पेमेंट मिलने की नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया तो उसके साथ कई फ्रॉड्स के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा रोड साइड में दुकान लगाने वाले कई छोटे दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता और वो UPI की सुविधा तो रखते हैं लेकिन उन्हें अपने फोन में नोटिफिकेशन चेक करना नहीं आता और इसलिए उनके साथ भी कई फ्रॉड्स हो सकते हैं। और जब UPI के थ्रू फ्रॉड के कई मामले सामने आए तो धीरे धीरे UPI से भरोसा भी उठने लगा। फिर पेटीएम ने इसका भी एक रेजोल्यूशन निकाला और UPI के थ्रू पेमेंट कंफर्मेशन के लिए 2019 में एक साउंड बॉक्स लॉन्च किया। इस साउंड बॉक्स का काम ये था कि जब भी कोई कस्टमर पेटीएम के QR कोड को स्कैन कर पेमेंट करता है तो ये साउंड बॉक्स रिसीव हुए पेमेंट को ऑडियो की तरह साउंड कर मिलने वाले पेमेंट को बताता है कुछ इस तरीके से। पेटीएम पर 1 रुपए प्राप्त हुए। इसे वहाँ खड़े मर्चेंट और कस्टमर दोनों सुन सकते हैं। इस साउंड बॉक्स से मर्चेंट को दो फायदे हुए। पहला ये कि अब बार बार पेमेंट कंफर्मेशन के लिए मर्चेंट को अपना टाइम निकाल कर अपना फोन चेक करने की जरूरत नहीं थी, और दूसरा ये कि पेमेंट होने वाले फ्रॉड से छुटकारा मिल गया। लेकिन शुरुआत में इस साउंड बॉक्स में कई सारी कमियां थी जिससे ये दुकानों में अपनी वो जगह नहीं बना पाई जैसा कि आज बना रखी है। दरअसल शुरुआती दौर में सिर्फ पेटीएम ऐप से ही QR कोड को स्कैन करने पर ये ऑडियो में कंफर्मेशन देती थी और इसकी बैटरी भी जल्दी लो हो जाया करती थी, और ये मर्चेंट को सुविधा तो दे ही रही थी लेकिन उनके मन मुताबिक नहीं। लेकिन फिर पेटीएम ने इसमें कई सुधार किए और इसमें कमी को दूर कर और भी कई सारे फैसिलिटीज लेकर आए, जैसे अब सिर्फ पेटीएम के थ्रू ही नहीं बल्कि दूसरी UPI के थ्रू भी पेमेंट होने पर ये कंफर्मेशन देने लगी, और साथ ही किसी भी पेमेंट वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट रिसीव कर इसमें लेन देन के काम को और ज्यादा आसान बना दिया। और तो और इसमें हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस की सुविधा भी है। साउंड बॉक्स का ये नया आइडिया मार्केट में हिट साबित हुआ और आज पूरे भारत में 6.8 मिलियन डिवाइसेस यूज में है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये आता है कि QR कोड के थ्रू पेमेंट रिसीव करना तो बिल्कुल फ्री है, तो इस साउंड बॉक्स से पेटीएम को फायदा कैसे हो रहा है? तो आपको बता दूं कि साउंड बॉक्स पेटीएम QR कोड की तरह फ्री नहीं है बल्कि इसके चार्जेस लिए जाते हैं। ये खरीदने के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसके लिए आपको 299 रुपीस पे करने होते हैं और फिर हर महीने 125 रुपए देने होते हैं। और आज इस साउंड बॉक्स की मार्केट में जो डिमांड है उससे अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। पेटीएम के एक प्रवक्ता के अनुसार 2023 के थर्ड क्वार्टर में पेटीएम साउंड बॉक्स सब्सक्रिप्शन से कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू
150 मिलियन डॉलर यानी करीब 1197 करोड़ तक पहुंच गया है। और इसी के साथ कंपनी के लॉसेस भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए हैं। अगर हम इसके क्वार्टर वाइज लॉस को देखें तो साल 2022 में ये 761 करोड़ था और साल 2023 के लास्ट क्वार्टर में घटकर ये 168 करोड़ रुपीस रह गए हैं। और एक समय ऐसा था कि यूपीआई के फ्रॉड की वजह से लोग यूपीआई के थ्रू पैसा लेना नहीं चाहते थे, वहीं आज पेटीएम बॉक्स के जरिए 13.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा लेन देन हो चुके हैं। यूपीआई के साथ साथ भारत में क्रेडिट कार्ड यूजर्स भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और ये प्रूफ होता है डेक्कन हेराल्ड की एक आर्टिकल से, जिसमें ये लिखा है कि पिछले साल भारत में 7.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स थे, जो इस साल बढ़कर 8.5 करोड़ हो गए हैं, जो डेबिट कार्ड के यूजर से भी ज्यादा है। पेटीएम ने इसके लिए भी एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया और पेटीएम कार्ड साउंड बॉक्स को लॉन्च किया, जिससे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों से ही पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। और मर्चेंट के लिए एक और फायदा ये भी हुआ कि पेटीएम उन्हें अपने ऐप के थ्रू बिजनेस से रिलेटेड कई एनालिटिक और सजेशंस देते हैं, जिससे बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट की बिक्री करने को लेकर कई तरह की हेल्प मिलती है। और इस तरह पेटीएम और उसके साउंड बॉक्स एक सुपर ऐप बनता जा रहा है। सुपर ऐप का मतलब है एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें एक ही ऐप से आप अपने सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट करना, टिकट बुक करना, रिचार्ज करना और पैसे ट्रांसफर करना। ये सारी फैसिलिटीज आपको एक ही ऐप पर मिल जाएगी। वैसे पेटीएम के अलावा अब ये गूगल पे और फोन पे पर भी मिल जाती है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, इसके मालिक एलोन मस्क ट्विटर को इसी तरह की एक सुपर ऐप बनाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे एलोन मस्क अपने ऐप पेपाल को भी इसी तरह की सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। एक बिजनेसमैन और साइंटिस्ट एलोन मस्क अभी इसकी तैयारी ही कर रहे हैं और भारत में पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा ने उनसे पहले ही अपनी ऐप पेटीएम में सारी फैसिलिटीज ला दिए। पेटीएम के साउंड बॉक्स आने के बाद पेटीएम के लिए लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। इससे पेटीएम के कस्टमर इसके तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट भी हुए हैं। पेटीएम ने अपने सर्विसेज के जरिए अपने कस्टमर को पहले से ज्यादा अपनी ओर खींच रखा है, लेकिन इसे प्रॉफिट में आने के लिए अभी और भी ज्यादा अच्छे फीचर्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।